मजाक नहीं सर, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मेरा असूल है जैसा देश वैसा भेस। अच्छा लड़को, जरा 10-15 मिनट घूम के आइए। कम ऑन गर्ल्स, हु विल टेल इट? मैं बताती हूँ। लो, बंदरों की फौज चली आई है, इसका लीडर यही है। सर, जरा आप इसकी कहानी शुरू से बताएंगे। मैं इस पर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। हाँ, तो ये किसने बनाया था, क्यों बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था? वन मिनट मैडम, वन मिनट। हाँ प्रोसीड सर, किस साल की कहानी है? प्रेम की दौर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कहानी है ये। 1816 में जब सुल्तान का राजा यहाँ राज करता था, ये तब की कहानी है जब उनका किसी से प्रेम हेमा मालिनी से हो गया था ना। हाँ, बोला है। बिल्कुल हिंदू लगती है। निकालो, यू लुक लवली। अरे पापा, मम्मी मेरी नाराज हो जाएंगी। मम्मी मम्मी मम्मी, तेरे घर पर, घर पहुँचने तक लगाए रखो। चलो चलो। अच्छा बाबा, चलो जल्दी जल्दी लो, जल्दी लो। जनता पार्टी जीतेगी नहीं तो देख लेना तुम। अरे खामोश यार, वोट देखा आपने, पढ़ सकते हो? बातें कम, काम ज्यादा करो। ये बोर्ड आप ही लोगों के लिए लगाया है मैंने। अरे भैया, पॉलिटिक्स ने वैसे ही देश का सत्यानाश कर रखा है। जाओ ना, अपना काम करो, जाओ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने भोला राज। आओ आओ मास्टर, कैसे हो? ऊपर वाले की मेहरबानी है। ये मेरे दोस्त रामलाल, तुमको शाही वाली गाड़ी चाहिए? जरूर जरूर, गाड़ी तो है ही जनता की सेवा के लिए। आओ रामलाल, ये देखिए, ये है गाड़ी। क्या बात है, जवाब नहीं खुशियों के साथी का। अरे ये तो कुछ भी नहीं रामलाल, वो गाड़ी देखो। आखिरी हम सफर। हमारा भोलानाथ बहुत बड़ा फिलोसफर है। छोड़ो ना मास्टर। अच्छा बोला, मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। अच्छा ओके। भोलेनाथ दयालु, आप तो अपनी गाड़ी को किस्तान को भी देते हैं, मुसलमान को भी देते हैं, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मान्यवर। क्या हमारे लिए कोई अन्य गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकती मित्रवर? पंडित जी, एक तरकीब है।
पंडित जी क्या? जब तक आपके लिए शुद्ध पवित्र और स्पेशल गाड़ी हरिद्वार से बनकर नहीं आ जाती तब तक आप इसी गाड़ी को इस्तेमाल करने से पहले इस पर गंगा जल छिड़क लीजिए, इसके सारे पाप धुल जाएंगे। मूर्ख, हमारी मजाक करता है तू। अरे ठीक ही तो कह रहा है पंडित जी, 20वीं सदी अंधविश्वास का जमाना नहीं है। जैसा भोलेनाथ वैसा इसका नन्नी, समझ में नहीं आता संसार में कैसी कैसी जोड़ी मिल जाती है। पंडित जी आप मर गए तो मंदिर का क्या होगा? क्या घर में टेलीग्राम आया है, माजी ने दिया है। कल सुबह की गाड़ी से आ रहा हूँ हीरा। हेलो, देखो देखो ये बुद्धू का बंदर यहाँ भी आ पहुँचा, लगता है जानबूझकर हमारा पीछा कर रहा है। कोई बात नहीं, आने दो उसे। जेंटलमैन ये लेडीज कंपार्टमेंट है। अरे रे बेटा क्या करते हो, मरना है क्या? क्यों भगा रही हो बेचारे को, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, चलती गाड़ी से गिर गया तो? आओ बेटा यहाँ आकर बैठ जाओ। नहीं जी मैं यही ठीक हूँ। आंटी बुरा मत मानी, मैं तो इसके भले के लिए कह रही थी। बात दरअसल ये है कि पिछले हफ्ते ऐसे ही एक आदमी अंदर घुस आया था, टीसी आया और उसने उसे लेडीज कंपार्टमेंट में देख कर 1000 रुपया जुर्माना किया। अब इससे पूछे इसके पास 1000 रुपए हैं भी या नहीं, वैसे ही यहाँ पर रह सकता है, हमें कोई एतराज नहीं। नहीं करना चाहिए था। नमस्ते साहब। नमस्ते शंकर लाल जी, क्या हाल है? ठीक हूँ, मैंने सुना आपका ट्रांसफर हो गया स्टेशन से। अरे भाई आप बुढ़ापे में कहाँ ट्रांसफर होगा, अब तो एक ही ट्रांसफर रह गया है। वो कौन सा? ऊपर। एक्सक्यूज मी, ये ट्रेन टाइम पर है या लेट? ट्रेन जल्दी आए या लेट आए इससे तुमको क्या? किसी पैसेंजर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, टाइम बहुत खराब है। शंकर लाल जी मैं किसी पैसेंजर से ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पैसेंजर नहीं है। आप जानते हैं उनको? अरे ऐसे कौन नहीं जानता, ये नालायक मेरा बेटा है। ये काम क्या करते हैं? काम? ये खाली प्लेटफार्म पर घूमते रहते हैं, मैं यहाँ घंटी बजा बजा कर इनका पेट पालता हूँ। तो क्या हुआ डैडी, दादाजी ने मंदिर में घंटी बजा बजा के आपका पेट पाला था, आप यहाँ प्लेटफॉर्म पे घंटी बजा के मेरा पेट पालिए? और तुम साइकिल की घंटी बजा बजा कर लड़कियों का पीछा करो, उससे मैं अपने दिल का पेट भरूंगा। देखा शंकर लाल जी ये पैसेंजर है उन लोग कहीं का। हेलो रूबी। हेलो। मैं तुमसे नहीं रूबी से हेलो कह रहा था। उसको तुम्हारी हेलो की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या मालूम उसको जरूरत है या नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती, वो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है और तुम उसके पीछे पड़े हो। अरे चुप कर, बढ़िया नसीहत देने वाली, तुम्हें क्या मालूम वो मुझे पसंद करती है नहीं, वो क्या अपनी दिल की बात तुम्हें बताने वाली है? भैया तुम पागल हो गए हो। पागल होगी तू, देखना एक दिन जब मैं तेरी सहेली को दुल्हन बना के घर लाऊंगा ना, तब तू मुंह छुपाती फिरेगी। तुम जरूर पागल खाने पहुंचोगे। अबे चल हा? चल जा। ले जाएंगे। अरे हो क्या गया है तुमको भाई, जब भी मैं अपनी रूबी से मिलना चाहता हूँ तुम इसी तरह हंसते हो। अरे हंसते क्यों हो? कि तुम्हारा प्यार एक तरफा है और प्यार में वन वे ट्रैफिक बहुत खतरनाक, इट्स डेंजरस। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। हीरा जी इधर आ मेरे लाल। ये क्या माँ? ये इसलिए कि तुझे किसी की नजर ना लगे। हाँ इससे तो जरूर नजर लगेगी, हिमालय की बड़ी कार रैली जीत के आया ना तेरा बेटा। बनारस आगरा जयपुर कहाँ कहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेजा, लेकिन सब जगह से फेल होकर आया ससुरा। अरे कितना पैसा खर्च किया कि कुछ पढ़ लिख ले, लेकिन 4 साल हो गए गाड़ी जैक से नीचे नहीं उतरी। माँ पिताजी मुझे बिला वजह डांटते रहते हैं,
इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, गलती तो मेरी है कि तेरे जैसा। देखो माँ, पिताजी 8 क्लास तक पढ़े हैं और तुम 3 से आगे नहीं गई। 8 और 3 11, वहाँ तक तो मैं पढ़ी चुका हूँ, अब मैं इससे आगे कैसे जाऊँ? क्या? अब आपका पोता 11 और 11 22 क्लास तक पढ़ेगा, बस हिसाब किताब बराबर। अरे तेरी मैंने क्या किया? अरे जब भी मैं उसके दिमाग की ऑयलिंग करना चाहता था तो तू ऐसी हंसती थी। अरे इसीलिए तो तेरा बेटा एक एक क्लास में 2-2 साल लगा के पास हुआ। तो उसमें बुरा क्या हुआ? अच्छा ही हुआ ना, हर क्लास की पढ़ाई पक्की हो गई। जैसा बेटा वैसी माँ, मैं अपना दिमाग यूं ही खराब कर रहा हूँ। 1, 2, 3 आज तुम्हारे दादी का बर्थडे और तुमने किसी को बुलाया भी नहीं। अरे मैं जानती हूँ क्यों नहीं बुलाया। स्टीफन अंकल रूबी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। नो नो भाई चाइल्ड, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो रूबी जिद करके केक और ये शर्ट ले आई तो बर्थडे मना लिया। कैसा लग रहा है शर्ट? क्या कहनी है अंकल, रूबी की पसंद तो बढ़िया है, वैसे आप इस नए शर्ट में 10 साल छोटे लग रहे हैं। अरे सुना तुमने, 10 साल छोटा लग रहा हूँ? ओह देखो ना, देखो ना, आंटी कैसे शर्मा रही है। चला जब तुम। पहले मैं जाऊंगा। क्या कर रहा, अंदर जाने दे। नहीं पहले मैं जाऊंगा। चल हट, पहले मैं अंदर जाऊंगा। अरे तू कैसे मैं जाऊंगा? मेरे अंकल का बर्थडे है, पहले मैं जाऊंगा। अरे हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। वो लंबा अंकल बहुत खराब है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। बड़ा शैतान लड़का ये तो, मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। कौन है? बेटे मेरे पड़ोसी का बच्चा है, दिन भर यही रहता है, रूबी को बहुत चाहता है। रूबी को तो सभी चाहते हैं अंकल। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा डैडी, हम कॉलेज जाते हैं। बाय डैडी, बाय मम्मी, टाटा बंदी, बाय अंकल, बाय 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 बाय। ले लो बेटे खाओ। ए देख मम्मी का बेटा है। अरे उल्लू के पत्ते, सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कहा तो फुटपाथ पर चला दिया, ब्रेक दबाने के लिए कहा तो एक्सीलेटर दबा दिया। वो मैं घबराहट में ये भूल गया था कि ब्रेक लेफ्ट में है या राइट में है। आगे से करा लूंगा। ए मिस्टर, हम लोग मरते मरते बच गए, ये सड़क गाड़ी सिखाने के लिए नहीं है, समझे? तो कहाँ सिखाऊं? जहन्नुम में। क्या कहा? ये पब्लिक रोड है। मैं भी टैक्स भरता हूँ। तो फिर जनाब एक काम कीजिए, बड़े बड़े पोस्टर छपाइए और शहर भर में लगवाइए कि कोई सड़क पे निकले नहीं क्योंकि आपका लड़का ड्राइविंग सीख रहा है। बाबूजी आइडिया अच्छा है। अरे एक साले, तेरी वजह से 4-4 उंगल की लड़कियां मेरी हंसी उड़ा रही हैं। काम छोड़। बाबूजी लड़कियों के सामने क्यों मारते हो, घर चल के मार लेना ना। जैसे बाप बेटा वैसे दफा गाड़ी। सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं बाबूजी, मान लो बात। चल बिल्कुल सच है। पता नहीं मेरे घर में कहां से पैदा हो गया। धक्का मारो, चल जोर लगा के, जोर लगा के, जरा जोर लगा। माँ। अरे बेटा हीरा, ड्राइविंग कर करके मेरा बच्चा थक गया होगा, चल खाना खा ले। आज मैंने सब तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं। चिकन बनाया है, मटन बनाया है, कलेजी बनाई है। भेजा नहीं बनाया? भेजा। हाँ इसे वही खिलाया करो, बहुत जरूरत है इसको उसकी। देखा माँ, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, आज आज उन लड़कियों के सामने भी मेरी बेइज्जती कर दी। आई कैन नॉट टॉलरेट इंसल्ट। देखा इंग्लिश बोल रहा, इंग्लिश बोल रहा। आगे से मैं इनके साथ गाड़ी सीखने नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू आगे से जैकी से गाड़ी सीखना। जा मुंह हाथ धो ले जा। तुम हमेशा इसके पीछे पड़े रहते हो, अब क्या किया है इसने? अरे ब्रेक दबाने के लिए बोला तो एक्सीलेटर दबा दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई, कोई कुचल कर मर जाता तो? फुटपाथ पर लोग चलते हैं? नहीं ट्रेन चलती है, ट्रेन। देखो मैं क्या ड्रामा करती हूँ। प्लीज मैं नहीं, यू मैं हाँ
हम लोग रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं और यहाँ फुटपाथ भी नहीं है। नीचे उतर आइए। हाँ हाँ यही। अरे अरे ये लड़कियाँ तो हमारा मजाक उड़ा रही हैं। शांति शांति, लड़कियाँ हैं, हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। प्लीज जाइए। जा जाओ। कम वेलकम। थैंक यू। तुम्हें इस तरह उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखा वो कैसे डर गया। अरे डरेगा नहीं तो हमारी इज्जत कैसे करेगा। देखो देखो कैसे गाड़ी चला रहा है। अजी डरिए मत, मैं हर चीज में एक्सपर्ट हूँ। कल जो कुछ हुआ वो तो एक ड्रामा था। कैसी लगी मेरी ड्राइविंग? अजी रुकिए, अपनी बिंदी तो लेते जाइए। प्लीज दीजिए। अभी नहीं दूंगा, लेकिन वक्त आने पर। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। अरे वाह, मान गए उस्ताद, यू आर ग्रेट। मुझे नहीं मालूम था तुम गाड़ी चलाने में इतने एक्सपर्ट हो। वाह बेटे, आगे आगे देखो होता है क्या। उसकी मदद करो ना, प्लीज करो। फट गई, ऊपर आ जाइए ना। इट्स ओके। कैन आई हेल्प यू? थैंक यू। प्लीज ऊपर आ जाइए। What happened? अरे ये बदतमीज क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। सुना कल तुम पानी में गिर गए थे। हाँ। अरे अगर कुछ हो जाता तो मुझे कुछ नहीं होगा। आई एम सुपरमैन वन। टन टन। अगर पानी में डूब जाते तो सारी सुपरमैनी धरी रह जाती, समझे। जब तक सुपरमैन टू है। वो कौन है? वो गाड़ी वाला अंकल। गाड़ी वाला अंकल? मैं सुपरमैन वन, वो सुपरमैन टू। डैडी आई एम गोइंग टू कॉलेज। बाय बंटी। बाय। क्या बात है, पागल की तरह हंसते जा रही हो? अरे कुछ भी तो नहीं, चलो ना। कम ऑन, यू हाइडिंग समथिंग। अरे कुछ भी नहीं, चलो तो सही। तुम्हारे तर्ज में एक जिंदगी मालूम होती है, अंधेरा है मगर फिर रोशनी मालूम होती है। न जाने क्या अजब शय है खुदाया ये मोहब्बत भी, कभी महसूस होती है कभी मालूम होती है, मालूम होती है। चलो। अरे नलिनी, वो दाढ़ी वाला कौन है जो हर वक्त मोहब्बत की बातें करता रहता है? वो एक बंजारा लड़की से मोहब्बत करता था, वो भी इससे मोहब्बत करती थी, मगर बंजारों के अपने उसूल होते हैं। उन्होंने दोनों को एक साथ पकड़ लिया, इसे तो उन्होंने पेड़ के साथ बांध दिया और लड़की को इसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया। ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम था मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा होती है। डोंट वरी, हमने किसी से मोहब्बत नहीं की। घाटो घटा गुरु घटा, गुरु घटा
इसका मतलब है आज वर्षा निश्चित होगी। वर्षा? पंडित जी, आसमान तो गंजे की टांट की तरह सफाचट पड़ा हुआ है, तो वर्षा कहाँ से होगी? ब्रह्मवाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण जो कहता है वो सत्य होता है। अर्थात वर्षा होगी? निश्चित होगी। तो होने दीजिए, तुरंत होगी। करो है कब तक हमें तड़पना, है कब तक हमें तरसना। कब होगा मिलन ये अपना, कब होगा सच ये सपना। है कब तक हमें तड़पना, है कब तक हमें तरसना।
दूरी सही न जाए। नहीं नहीं पास ना आना। छूने को दिल ललचाए। उफ़ देखो छूना नहीं हाँ। बरखा भी अगन लगाए ये प्यास तो बढ़ती जाए। अब दूरी सही न जाए छूने को दिल ललचाए। बरखा भी अगन लगाए ये प्यास तो बढ़ती जाए। ये प्यास जो बढ़ेगी रुसवा हमें करेगी। ये आग जो बढ़ेगी सीमा ही तोड़ देगी। जब दो दिल टकराएंगे तो क्या होगा प्यार होगा प्यार होगा। क्या है छाता कितनी देर कैसे लग गई? आधे घंटे से खड़ा तुम्हारी इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी तो नींद ही नहीं खुलती। ट्रेन आ गई ट्रेन आ गई ट्रेन आ गई। मेरा दोस्त यहीं कहीं रहता है। मैं उसी का घर ढूंढ रहा था जी। क्या नाम से रहता ना? जी मेरा नाम हीरा है। मैं वो मैकेनिक भोलेनाथ का बेटा हूँ। अच्छा ये भी याद आया तू किशन के संग स्कूल में पढ़ता था ना? जी मैं किशन का बड़ा भाई हूँ। आप किशन के बड़े भाई हैं? माफ करना पहचान नहीं पाया। क्या है पहले जब आपको देखा था तो आप काफी पतले से थे, अब तो काफी तंदुरुस्त हो गए हैं ना। वैसे किशन का घर कौन सा है? ये घर ऊपर देख। ओ, अभी तक आदत नहीं गई, बचपन से ही है। मैं आता हूँ अभी आता हूँ। अच्छा जा। पंथी इधर आ। पकड़। क्या है दीदी? चॉकलेट। पहले मेरा एक काम करोगे? क्या? टेरिस पे जाकर मुझे बुलाना दीदी दीदी। जाओ जाओ जाओ। अरे हीरा अब तो रोज आना है यार। हाँ चल उड़ा। हाँ, ले, ले, ले। उड़ा 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 ऊपर ऊपर ले। अरे यार दीदी दीदी दीदी। कितनी बार तुमसे मना किया है यहाँ अकेले आने के लिए? क्यों आए तुम? गिर गए तो क्या होगा? चलो चलो यहाँ से। कम ऑन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ऊपर ऊपर छोड़ दो। अरे तुमने मुझे क्यों डांटा? इतने में नाराज हो गए? मैं तो मजाक कर रही थी। एक बार फिर जाओ और मुझे बुलाना दीदी दीदी। यू वेरी स्वीट को। नहीं जाऊंगा। प्लीज बंटी आई गिव यू चॉकलेट। प्रॉमिस प्रॉमिस को ना। दीदी 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 दीदी। फिर आओगे तुम यार? अभी भी तो मना किया था ना। फिर आओगे तो मारूंगी मैं। तुमने ही तो कहा था ऊपर जाकर बुलाओ दीदी दीदी दीदी। तो फिर अब क्यों डांटती हो मुझे? अच्छा चलो चलो यहाँ से। ये क्या किया तुमने? सब चौपट कर दिया वहां जाके। गंदे चॉकलेट। पंडित जी इन ग्रहों के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। आप प्रेम रेखा लेके बताइए ना मेरा क्या होगा। आहा शुक्र तारा उच्च स्थान में
लेकिन तुम किसी लड़की से प्यार करते हो तो तुम्हें प्यार नहीं करती। वो भी जानता हूँ पंडित जी, मगर इसका रास्ता क्या है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो बताओ। प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उस लड़की का रंग है गुलाबी, उसे गुलाबी रंग पसंद है। जिस दिन तुमसे कोई गुलाबी वस्तु स्वीकार कर लिया बच्चे, उसके ठीक एक हफ्ते के बाद तुम्हारे बस में आ जाएगी। याद रखेगा मायनी। फिर यहाँ पहुंच। मिस्टर। अरे हीरा तू? रमेश तू कब आया? अरे मैं तो यहाँ बहुत देना चाहूँ, लेकिन रमेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे डैडी क्या ट्रांसफर हो गए, इसलिए यही घूमता रहता है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े दिनों बाद मिले यार। ए उषा, वो तो तेरे भाई का दोस्त निकला। इसकी क्या बात करती हो, सारी दुनिया मेरे भाई की दोस्त है। अच्छा भाई मैं चलती हूँ, चलो सी यू। ए ठहरो ना, कम लेट्स गो टू आवर हाउस, आई वांट टू गेट सम बुक्स। नहीं आल, मैं यहाँ वेट करती हूँ, तुम लोग हो आओ। ओके चलो, यू हैव टू वेट फॉर अस। खुदा ने नसीब वालों को हुस्न दिया, शबाब दिया, थोड़ी सी हया दी, थोड़ा सा हिजाब दिया। बेपनाह मोहब्बत का है ये तोहफा, चाहने वालों ने इसे नाम गुलाब दिया। Too sweet to be forgotten. Love and kisses, Ruby. Thank you.
तुझे प्यार किया है हमने, एक रोज तुझे पाएंगे। दुनिया बने दीवार हम तो न रुकेंगे, दुनिया बने दीवार हम तो न रुकेंगे। मेरे लिए तू बनी, तेरे लिए मैं बना। लेकिन रमेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे डैडी क्या ट्रांसफर हो गए, इसलिए यही घूमता रहता है यार। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े दिनों बाद मिले यार। ए उषा, वो तो तेरे भाई का दोस्त निकला, इसकी क्या बात करती हो, सारी दुनिया मेरे भाई की दोस्त है। अच्छा भाई मैं चलती हूँ, चलो सी यू। ए ठहरो ना, कम लेट्स गो टू आवर हाउस, आई वांट टू गेट सम बुक्स। नहीं आल, मैं यहाँ वेट करती हूँ, तुम लोग हो आओ। ओके चलो, यू हैव टू वेट फॉर अस। खुदा ने नसीब वालों को हुस्न दिया, शबाब दिया, थोड़ी सी हया दी, थोड़ा सा हिजाब दिया। बेपनाह मोहब्बत का है ये तोहफा, चाहने वालों ने इसे नाम गुलाब दिया। Too sweet to be forgotten. Love and kisses, Ruby.
डुब्बा डुब्बी डुब्बा डुब्बी डुब्बा बा 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 कर दो ना प्लीज। कौन सा काम? उषा, ये चिट्ठी जरा रूबी तक पहुंचा दो ना। पागल हो गए हो क्या? इस काम के लिए मैं ही मिली तुमको? उषा, ऐसे काम अपने लिए करेगी तो और कौन करेगा? कल को तुम्हें भी जरूरत पड़ सकती है किसी लड़के को चिट्ठी पहुंचाने की, तो मैं ही पहुंचाऊंगा ना। शर्म नहीं आती है ऐसे बहन से बातें करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? प्लीज ये चिट्ठी रूबी तक पहुंचा दो ना। एक मिनट हां दादी, दादी चल जाओ, मैं किसी और से भेजवा दूंगा। डैडी, अब ये चिट्ठी कौन ले? मैं लेके जाऊंगा बेटे। डैडी आप? तेरा बाप होने के नाते इतना काम भी ना कर सकूं तो क्या फायदा? डैडी साफ गधे का बच्चा, अबे इसीलिए पेड़ फार्म के दिन रात चक्कर लगाता रहता है। नहीं डैडी मैं साफ सुना, तुम्हारा बेटा चार पैसे कमाने काबिल नहीं है,
मैं ऐसे कहता हूँ, जा नौकरी कर, नौकरी कर। और ये लड़कियों के पीछे चक्कर लगाता रहता है और कहता है प्यार प्यार प्यार। लव लव डैडी, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। सुना तुमने, कहता है कि प्यार अंधा होता है। ठीक ही तो कहता है मेरा लड़का, अगर प्यार अंधा ना होता तो क्या मैं तुमसे शादी करती? आई फट गई। अरे has given to man above beneath the heaven. It is secret sympathy, the silver link, the silver tie, which heart to heart and mind to mind, in body and soul can find. True love is the gift which God has given to man above beneath the heaven. It is the secret sympathy, the silver link, the silver tie, which heart to heart and mind to mind. बहादुर है, इसने गुंडों की वो पिटाई की, वो पिटाई की, पूछो मत, बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह। और ये क्या करेगा? अगर किसी लायक होता तो मैं इस गैराज का नहीं किसी मोटर कारखाने का मालिक होता। यहाँ खड़ा क्या मुंह देख रहा? घर जा, चक्की से घर ले जा, हर वक्त कोई ना कोई नया बखेड़ा। क्या कर रहे हो? बस यार ऐसे ही आ गया था, ऐसे ही आ गया था। हाँ ऐसे ही आ गया था बस। देख भाई, मेरी चार चार आंखें हैं, यहाँ पर सब पे नजर रखता हूँ। पिछले चार पांच दिन से रेलवे प्लेटफॉर्म ट्रैक्स पर घूमते रहते हो,
चक्कर क्या है यार? चक्कर अगर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घूमता रहता हूँ। अच्छा चलता हूँ। अरे रुक रुक, जाता कहाँ है? इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला। कौन है पार्टी? कोई नहीं यार, कोई नहीं। देख भाई, मेरे से छुपा के क्या फायदा, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ यार। तू तो जानता है इन मामलों में मेरा एक्सपीरियंस तेरे से ज्यादा है। बोल यार, बोल बोल। यार एक लड़की है, मुझे देखकर मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल में क्या है मुझे पता नहीं। वो तुझे देखकर मुस्कुराती है और तू नहीं जानता कि उसके दिल में क्या है। देख भाई, ये डेंजर सिग्नल। किसी लड़की का पीछा करने से पहले पता कर लेना चाहिए कि ट्रैक क्लियर है कि नहीं। ये कैसे मालूम होगा? एप्लीकेशन लिखकर। एप्लीकेशन? हेलो, हाय किशन। किशन यार, एक ग्लास पानी ले आना यार, ये मैं कर लेता हूँ। एक मिनट में आता हूँ। तुम्हारी झुकी झुकी नजरों और मीठी मुस्कानों को देखकर मुझे पता चला है कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए खाली जगह है। इस जगह के लिए मैं अपना नाम और अपने बारे में पूरी जानकारी भेज रहा हूँ। नाम हीरा, पाप का नाम भोलेनाथ, जन्मदिन 25/12/61, साथ हिंदू, मातृभाषा हिंदी लेकिन थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी जानता हूँ। एजुकेशन, सारे हिंदुस्तान से 5 बार SSC पास करने की कोशिश की है लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत है, जैसे गाड़ी चलाना, खराब गाड़ियों की मरम्मत करना, गुंडों से लड़ना, डूबते को बचाना। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऊपर लिखी हुई सारी बातें सच हैं, क्योंकि मैं सच में यकीन रखता हूँ और झूठ बोलता नहीं। आशा है पत्र का उत्तर जल्दी मिलेगा। तुम्हारा हीरा। हे भगवान, बोला सुना है तेरा बेटा वापस आ गया? हाँ मास्टर, मर गए। अरे 7 साल के बाद तेरा बेटा यहाँ आया और तूने मुझे बताया तक नहीं? अरे गलती हो गई हजूर। अरे हीरा, ओ हीरा, हीरा, ये रहा मेरा बेटा हीरा। अरे स्टीफन मास्टर साहब। अंकल स्टीफन, प्रणाम अंकल, प्रणाम। कितना खूबसूरत बच्चा है। प्रणाम जी, मेरी पहना अंकल। तेरी आंखें कैसे पैदा हो गया? देख कितना होशियार है। इतना होशियार है कि मैंने इसको जयपुर, बनारस, आगरा, मेरठ सब जगह पढ़ने के लिए भेजा, मगर मगर क्या, पढ़ाई छोड़ दी क्या इसने? अरे वाह 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 वाह, गॉड ब्लेस यू बेटे, क्या है पढ़ाई है। अच्छा बोला, मैं चलता हूँ। जरूर जरूर, भाभी को नमस्ते कहना। गाड़ी तैयार है, जरा गाड़ी की डिटेल ले आओ। अच्छा बेटे, अच्छा जी, गॉड ब्लेस यू, अच्छा जी, बाय बाय। अच्छा जी, बाय बाय जी। बस बाय, बस 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 बेटे, बस मुझे तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है जी। सवेरे वाली गाड़ी से। अरे रमेश, रमेश सुन। अरे यार रमेश, यार मैं अभी आया, एक मिनट में। यार मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे यार। गाड़ी में मेरी वो जा रही है, मैं अभी एक मिनट में। रुक यार, रुक रुक। अरे रुक, मेरी गाड़ी। आजा आजा, बोल क्या है। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अपनी बायोडेटा के साथ उसको अपनी एप्लीकेशन भी भेज दी। कोई जवाब आया? नो रिप्लाई। प्यार में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, बड़े धीरे 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 आराम से आगे बढ़ता होता है। अब मुझे देखो, 4 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म के चक्कर मारते हुए, एक एक ईंट मेरी कहानी सुनाती। नहीं बाबा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है यार। कोई ऐसा शॉर्टकट बता कि एक दो दिन में काम बन जाए। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम उसको एक ऐसी जगह पर लेके जाओ जहाँ आस पास कोई ना हो, जहाँ एकदम रोमांटिक एटमोस्फियर हो, और वहां पर तुम अपनी दिल की बात उसे एक सिंबॉलिक वे में पेश करो। सिंबॉलिक? हाँ, विद टेरिटोरियल टचेस, लाइक मनोज कुमार स्टाइल।
चलो मेरी ग्राउंड के ऊपर बैठेंगे। चलो मैं तो बेंच पे बैठूंगी। नहीं नहीं मैं बेंच पे बैठूंगी। अच्छा मैं घोड़े पे बैठूंगी। अच्छा मैं घोड़े पे बैठूंगी। मी? Yes, sir. ये कितने का है? 5 रुपए। थैंक्स। बड़ा मजा आया यार, आज तो बहुत मजा आया। हाँ अरे कोई आइसक्रीम खाएगा? हाँ, मैं खाऊं। चलो और 3 वनीला आइसक्रीम देना। चेंज प्लीज। No, I don't want. आप लोग खाओ। I'll just go there and come. हाँ, I'll come back. हाँ, you'll wait for me. Yeah. चलिए आना। Come soon, ना? Thank you.
अंबर से कब उतरी है तू, दिल से मेरे गुजरी है तू। ख्वाबों में था तुझसा जवां, तेरे लिए मैं आई यहां। Love me, love me, love me, love me। तमिल प्यारी, बांग्ला प्यारी, प्यारी है मराठी, सबसे प्यारी वो भाषा जो बोले मेरा साथी। कम नहीं भाई बात क्या है? मिस्टर स्टीफन, मैंने स्टीला से बात कर ली है। अगले हफ्ते मेरा जेम्स स्टेट से वापस आ रहा है। मैंने तय कर लिया है कि रूबी मेरी ही बहू बनेगी। मिसेस थॉमस, कम से कम उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं कब कहती हूँ कि उसकी पढ़ाई रोको, बट आई वॉन्ट योर कन्फर्मेशन। हमारे हाथ में क्या है मेरी, सब गॉड के हाथ में है। देखो स्टीला, गॉड को बीच में मत लाओ, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन इतना याद रखना, अगर तुमने ज्यादा देर की तो मैं अपने जेम्स को कहूंगी कि तुम्हारी रूबी को भगा के ले जाए। ए रूबी, हाय। हाय रूबी। हाय रूबी, घर चलो चलो, चलो, चलो मेरे तो पैर भी दुख रहे हैं। इसे तो नहीं, किताब तो ले आई हो ना? हाँ मैं लाई हूँ, दे दूंगी भाई भी, जल्दी भी क्या है, मेरी नॉवल का क्या हुआ? अरे वो तो मैंने दे दी। किसको? मैंने कल्पना को दे दिया। तो यार लेके आएगी यार, स्टेशन आ गया, मेरा भाई नहीं दिख रहा, बड़ा अच्छा मॉडल होगा, सुबह निकलेगा। वन टू थ्री फोर, ओके। जब भी ये चार लड़कियां यहाँ से गुजरती हैं, आप यही नजर आते हैं। कौन है? फिर कभी बताऊंगा। आज इतना अच्छा मौका है, चलो पिक्चर। वो हाँ, बोर हो, येलो ड्रेस वाली। येलो ड्रेस वाली, चल तू अंदर खड़ा रह, आज ही तेरा मामला फाइनल। अरे नहीं भाई, अरे नहीं, तू मरवाएगा, पत्ता कटवाएगा। नहीं सर, अरे भाई मर गए। येलो ड्रेस वाली। हे उषा, क्या है? क्या है, रोज मुझे लेक्चर देती थी कि रूबी का पीछा छोड़ दूं और खुद अपना चक्कर चला लिया। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, क्या बकरे हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पूछा लव मी। बॉयफ्रेंड लव मी? और तुमने कहा आई लव यू। मैंने कहा किससे? फिकर मत करो, पार्टी मेरे हाथ में है। पार्टी? ओ, ओ रमेश, ओ, अरे अरे रमेश, हो गया? अरे ये नहीं, तूने तो कहा था पीली ड्रेस वाली। अरे वो पीली। सच पागल है। स्टीफन अंकल। रमेश तू कब आए? अंकल, अंकल आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तुम बहुत अच्छे लड़के हो, जस्ट लाइक ए फैमिली फ्रेंड। इसलिए अंकल, अगर आपके घर में कुछ हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में हो रहा हो। साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? सोचता हूँ कहूँ कि नहीं कहूँ अंकल, आप और रूबी मेरे बारे में जाने क्या सोचेंगे? अरे वो सब छोड़ो, बताओ बात क्या है। अंकल, रूबी एक मामूली और बेकार लड़के से प्यार करती है।
ना करें अंकल, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। आप सिर्फ रूबी का ख्याल रखिएगा। ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हैं। ओ अरे यार मैं बस ठहरो 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 पिंडी सुन यार, पिताजी को मत बताना है। अरे नहीं बताऊंगा, मगर ये बिंदी तुम्हारे नहीं, तुम्हारे लवर के माथे पर होनी चाहिए। होगी, जरूर होगी, मगर तब होगी जब वो मेरी दुल्हन बनकर आएगी, उसके गले में हमारी शादी का हार होगा और चारों तरफ शहनाई के सुर गूंज रहे होंगे। लगता है क्या काम से पागल हो चुका है। मिस्टर मजनू, हम चले, गैराज बंद करने का वक्त हो गया है। बाय बाय बाय। अरे रमेश, तुम यहां क्या कर रहे हो भाई? बस तुम्हारा इंतजार। अरे क्या हो गया तुम्हें भाई? पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, और उसके बीच किसी ने दखल दी तो मैं। इसका मतलब एक लड़की की खातिर दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्ती गई भाड़ में। दोस्ती पर कीचड़ तो मत उछालो, होश में आओ। याद रहे, प्यार आदमी को राम बना सकता है तो रावण भी। ये तुम क्या करने जा रहे हो दोस्त? और तुम इन दोस्तों की आग को और भड़का रहे हो। जाओ दबाओ, जाओ यहां से। रमेश, दोस्ती के नाते तुम्हारा ये फर्ज है कि हीरा और रूबी के प्यार की इज्जत करो। इन दोनों का साथ दो दोस्त, इन दोनों का साथ दो। I'm sorry. That's good. Come on. Be friends.
अरे स्टीफन, तैयार नहीं हुए? चर्च जाने का वक्त हो गया है। तैयार होता हूँ। अरे जैकी, ये भगवान ने संडे क्यों बना दिया यार? जूनियर बॉस अगर संडे नहीं होता ना तो आपके पिताजी मुझसे पूरा साल काम लेते और एक भी छुट्टी नहीं देते। यार मैं तेरी छुट्टी की बात नहीं कर रहा, ये हर संडे स्कूल कॉलेजेस क्यों बंद रहते हैं? स्कूल कॉलेज लगता है आपके भेजे का डायनेमो फेल हो गया है। कहाँ जा रहा है? आई एम गोइंग टू चर्च। सुन, क्या सब क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं? सबका तो पता नहीं, लेकिन गुड क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं। मेरी रूबी भी गुड क्रिश्चियन है। व्हाट इन हेवन हैलोड बी थाई नेम, थाई किंगडम कम, थाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। In the image of God created he him, male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply. Let us pray. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, bless, preserve, and keep you. The Lord mercifully, with his favors, looks upon you as his own children. May God the Almighty bless you. Amen. 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 Sorry sir, मैं हिंदू हूँ, पहली बार चर्च में आया हूँ। Oh, it's all right. Let's sing now. Hymn number 493. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me dance around. In pastures green, He leadeth me for quiet waters by. I will not fail thee, nor forsake thee. अगले संडे मिलते हैं। बाय बाय। चलो चलते हैं। रूबी कहाँ है? रूबी, देखो, रूबी। नहीं स्टीफन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी रूबी को बुलाकर उससे बात कर लेती हूँ। बेला, ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम उसे नहीं रोक सकती। अगर लोगों को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? स्टीफन, तुम एक काम करो, तुम कल ही जाकर मेरी से मिल लो। जितना तुम समझ रही हो ना स्टेला, उतना ये काम आसान नहीं है। मुझे बहुत सोच समझ के कोई बहाना बना के उनके पास जाना पड़ेगा। सुनो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। बाय मम्मी। हेलो डैड। देखो बेटा। अंकल। हाय अंकल। हेलो अंकल। गुड मॉर्निंग मिसेस अमर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटे? फाइन अंकल। आंटी कैसी हैं? रूबी कैसी है? बहुत अच्छे हैं। लगता तुम जल्दी हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? बात यह है कि 2-3 साल में इंडिया में नहीं था और मम्मी अकेली थी और बिजनेस की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए जरा OTTS से जा रहा हूँ, एक हफ्ते में वापस आ रहा हूँ। अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना। श्योर। एंड गिव माय रिगार्ड्स टू आंटी रूबी। बाय मम्मी। बाय। आइए, प्लीज कम इन। पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। ओके। मतलब मुझे परेशानी लगी रहेगी। बाय। प्लीज। ये। थैंक यू। आप अकेले? स्टेला और रूबी को साथ नहीं लाए? मिसेस समर्स, मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहता हूँ। कहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं दिमागी तौर से बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है आपको? पिछले हफ्ते मुझे कुछ सीने में दर्द सा महसूस हुआ, मेरे डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं है। ये बात मैंने स्टेला और रूबी को भी नहीं बताई। मिस्टर स्टीफन, आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, फौरन किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। नो नो मिसेस थॉमस,
डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ हो जाए उससे पहले मैं रूबी की शादी जल्द से जल्द कर दूँ। डोंट वरी मिस्टर स्टीफन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको कुछ नहीं होगा। जेम्स के वापस आते ही मैं उससे बात करके शादी की तारीख पक्की कर दूंगी। बस ये बहुत है मेरी मिसेस थॉमस, अब दुनिया के कैसे भी अटैक आए मैं सबका सामना कर सकता हूँ। लीजिए मिसेस थॉमस, अब मैं 2 कप कॉफी पीऊंगा। रूबी मैं मंदिर जाकर आती हूँ, ओके सी यू देन। नलिनी क्या बात है, होश में आओ। याद रहे, प्यार आदमी को राम बना सकता है तो रावण भी। ये तुम क्या करने जा रहे हो दोस्त, और तुम इन दोस्तों की आग को और भड़का रहे हो, जाओ दबाओ जाओ यहां से। रमेश दोस्ती के नाते तुम्हारा ये फर्ज है कि हीरा और रूबी के प्यार की इज्जत करो। इन दोनों का साथ दो दोस्त, इन दोनों का साथ दो। I'm sorry. That's good. Come on. Be friends. वक्त हो गया, तैयार होता हूँ। अरे जैकी हा? ये भगवान ने संडे क्यों बना दिया यार? जूनियर बॉस अगर संडे नहीं होता ना तो आपके पिताजी मुझसे पूरा साल काम लेते और एक भी छुट्टी नहीं देते। यार मैं तेरी छुट्टी की बात नहीं कर रहा, ये हर संडे स्कूल कॉलेजेस क्यों बंद रहते हैं? स्कूल कॉलेज लगता है आपके भेजे का डायनेमो फेल हो गया है। कहाँ जा रहा है? आई एम गोइंग टू चर्च। सुन क्या सब क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं? सबका तो पता नहीं लेकिन गुड क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं। मेरी रूबी भी गुड क्रिश्चियन है। God in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them. And God said unto them, Be fruitful and multiply. Let us pray. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost, bless, preserve, and keep you. The Lord mercifully, with his favors, looks upon you as his own children. May God the Almighty bless you. Amen. 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 Sorry sir, मैं हिंदू हूँ, पहली बार चर्च में आया हूँ। Oh, it's all right. Let's sing now. Hymn number 493. The Lord's my shepherd, I'll not want. Forsake thee.
अगले संडे मिलते हैं, बाय बाय। चलो चलते हैं, रूबी कहाँ है? रूबी, देखो रूबी। नहीं स्टीफन, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी रूबी को बुलाकर उससे बात कर लेती हूँ। पहला ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, तुम उसे नहीं रोक सकती। अगर लोगों को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रहेगी? स्टीफन, तुम एक काम करो, तुम कल ही जाकर मेरी से मिल लो। जितना तुम समझ रही हो ना स्टेला, उतना काम आसान नहीं है। मुझे बहुत सोच समझ के कोई बहाना बना के उनके पास जाना पड़ेगा। सुनो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। बाय मम्मी। हेलो डैड। देखो बेटा। अंकल। हाय अंकल। हेलो अंकल। गुड मॉर्निंग मिसेस थॉमस। गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटे? फाइन अंकल। आंटी कैसी हैं? रूबी कैसी है? बहुत अच्छे हैं। लगता है तुम जल्दी हो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? बात यह है कि दो तीन साल में इंडिया में नहीं था और मम्मी अकेली थी और बिजनेस की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए जरा OTTS से जा रहा हूँ, एक हफ्ते में वापस आ रहा हूँ। अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना। हाँ श्योर। एंड गिव माय रिगार्ड्स टू आंटी रूबी। बाय मम्मी। बाय। आइए प्लीज कम इन। पहुंचते ही मुझे फोन कर देना, वरना मुझे परेशानी लगी रहेगी। बाय प्लीज। ये थैंक यू। आप अकेले? स्टेला और रूबी को साथ नहीं लाए? मिसेस थॉमस, मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहता हूँ। कहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं दिमागी तौर से बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है आपको? पिछले हफ्ते मुझे कुछ सीने में दर्द सा महसूस हुआ, मेरे डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं है। ये बात मैंने स्टेला और रूबी को भी नहीं बताई। मिस्टर स्टीफन, आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, फौरन किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। नो, मिसेस थॉमस, डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ हो जाए उससे पहले मैं रूबी की शादी जल्द से जल्द कर दूँ। डोंट वरी मिस्टर स्टीफन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको कुछ नहीं होगा। जेम्स के वापस आते ही मैं उससे बात करके शादी की तारीख पक्की कर दूंगी। बस ये बहुत है मेरे लिए मिसेस थॉमस, अब दुनिया के कैसे भी अटैक आए मैं सबका सामना कर सकता हूँ। लीजिए मिसेस थॉमस, अब मैं 2 कप कॉफी पीऊंगा। रूबी, मैं मंदिर जाकर आती हूँ। ओके टू देन। नलिनी, क्या बात है रूबी? क्या मैं तुम्हारे साथ मंदिर आ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, आओ ना। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम उज्जैनहारम सदा। ठीक आरती के समय पर पहुँच गई बेटी, लो बेटी। ये कौन? ये मेरी फ्रेंड रूबी है। स्टीफन साहब की लड़की? ये क्रिश्चियन लड़की मंदिर में कैसे आ गई? बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, मैं कहता हूँ बाहर ले जाओ इसे। रूबी, बाहर ले जाओ, मैं कहता हूँ बाहर ले जाओ मंदिर से। प्लीज ठहरो ना, प्लीज रूबी, रूबी प्लीज ठहरो, रूबी रूबी ठहरो ना प्लीज। तुमने से मंदिर में आने से क्यों रोका? मेरी मर्जी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, भगवान का मंदिर है। यहाँ किसी को आने से रोकने वाले तुम कौन होते हो? ये प्रश्न करने वाले तुम कौन होते हो? मैं? सच्चे मन से जो भगवान के दर्शन करने आते हैं ना, उन्हें रोकने वाले तुम जैसे अंधों की आंखें खोलने वाला हिंदू। तुम प्रवेश कर सकते हो, लेकिन इस क्रिस्तान लड़की को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा। मंदिर में कौन आए कौन ना आए, भगवान ने तुम्हें इसकी लिस्ट बना के दी है क्या? या फिर तुम जैसे भगवान के ठेकेदारों की मंडली ने अपने आप तय कर लिया? पुजारी जी, आज के जमाने में जब हरिजनों को पुजारी तैनात किया जा रहा है तो आपका इस तरह की बातें करना गैर कानूनी है। रूबी तुम अंदर जाओ, नलिनी से अंदर लेके जाओ। कम रूबी, हाउ कैन ही इंसल्ट, लेट मी वॉच हिम। चलो फोर्स, चलो अंदर जाएंगे। नहीं आते पंडित जी, प्लीज आप मेरे लिए इनसे मत लड़िए, मैं जाती हूँ। रूबी, रूबी, तुमने आज इस लड़की को मंदिर में आने से रोका है, मैं भी देखता हूँ आज बाद इस मंदिर में कौन कदम रखता है। देखो बेटे, जब पुजारी जी मना करते हैं तो तुम्हें मान लेना चाहिए। एक ईसाई लड़की के लिए अपने धर्म वालों से झगड़ा मोल ले रहे हो। हमारा धर्म? हमारा धर्म ये कहता है कि जात पात रुपया पैसा इन सब से ऊपर है भगवान। मंदिर में जो लोग पूजा करने आते हैं, भगवान उनकी धर्म या जात पात नहीं देखता, भावना देखता है। देखा दयालु, बड़ों से कैसी बातें करता है। बेटे तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें इस तरह छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहिए। जो लड़की यहाँ ये सोचकर आई हो
कि गिरजे का ईसा और मंदिर का कृष्ण दोनों एक ही भगवान है, और अगर मेरा उसको मंदिर के अंदर जाने के लिए कहना गलत है तो महात्मा गांधी का ईश्वर अल्लाह तेरा नाम कहना भी गलत है। अरे अरे अरे, ऐसी बातें करके हिंदुओं और ईसाइयों में फसाद पैदा करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं, जहां पर भी अन्याय होगा मैं उसका विरोध करूंगा। कान खोल कर सुन लीजिए पुजारी जी, तुमने और तुम्हारी मंडली ने जो इस मंदिर में भगवान के नाम पर पैसा बटोरने का धंधा चला रखा है ना, उसी की वजह से भगवान पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। चिल्लाओ मत, तुम जैसे स्वार्थी और इंसानों के दुश्मनों को तो ये चाहिए कि इस मंदिर को बंद कर दो और इसकी जगह यहाँ कोई स्कूल या अस्पताल खोल दिया जाए ताकि इंसानियत का भला तो हो। यदा यदा धर्म सिद्ध्यम्। देखा, ऐसे अधर्म में पैदा हुए तो धर्म की रक्षा कैसे हो? अवश्य, हम सब धर्म के रक्षकों को मिल करके और ऐसे अधर्मी का विनाश कर देना चाहिए। तूने पुजारी से क्यों झगड़ा किया? जानता नहीं इसका हमारे कारोबार पर क्या असर पड़ सकता है? वो क्यों रोकता किसी को मंदिर में आने से? इसलिए कि वो मंदिर है, वहाँ वही जा सकता है जो हमारे धर्म को मानता है। ऐसे मंदिर का क्या फायदा, इससे तो अच्छा है कि उसे गिराकर एक अस्पताल बना दिया जाए ताकि हर कोई वहाँ जा तो सके। तू कैसी बातें करता है रे? माना कि तू नई रोशनी का लड़का है, लेकिन ये जात बरादरी का मामला है बेटे, हमें उनके बीच में रहना है। तू ये धर्म कर्म के मामले में क्यों आता है रे? माँ, मैं हर उस धर्म के खिलाफ हूँ जो एक हिंदुस्तानी और दूसरे हिंदुस्तानी के बीच दीवार खड़ी करता है, और ऐसी हर दीवार गिरा देनी चाहिए। क्या बात है? वो देख, आग, घर में आग लगी है। अरे अरे आग नहीं लगी, तुम्हारा पुत्र स्वाहा स्वाहा हवन कर रहा है। हवन? हाँ, ये क्या सिगरेट पीता है? और ना जाने क्या क्या पीता है, मैं उसे यहाँ बुलाता हूँ, तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लो। रमेश बेटा, रमेश। डैडी, बेटे जरा अंदर आ जाओ। मम्मी, डैडी। क्यों बे नालायक, सिगरेट पी रहा था? सिगरेट? किसने कहा आपसे? मैंने कहा हाथ पीछे मत रख, नहीं तो पीठ जल जाएगी। दोनों हाथ आगे रख, आगे रख। हाँ, देख लिया तुमने, माँ बाप के सामने सिगरेट पीता है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे मम्मी, शर्म आती थी इसलिए तो बाहर खड़ा रहकर सिगरेट पी रहा था, लेकिन डैडी चाहते कि उनके सामने पियो, तो लो आपके सामने पीता हूँ। और मेरी आंखें ये नहीं देख सकती, निकल जा यहां से। सब तार किसका टेलीग्राम है? मिसेस थॉमस का टेलीग्राम है, वो और जेम्स कल आ रहे हैं। थैंक गॉड। बस बस, स्टीफन साहब के रिश्तेदार आए हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई है, आप जरा देख लीजिए। मैं देख लेता हूँ जी, गाड़ी अभी देख लेता हूँ मैं। हाँ, हेलो मिसेस थॉमस, जेम्स के आने का वक्त हो गया है, तुम किसी भी बहाने रूबी को बाहर भेज दो। अच्छी बात, जल्दी। H for honey, I for interesting, R for remembrance, E for affection। हाँ मम्मी। बेटे, डैडी के कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम बंटी के घर जाओ। अच्छा मम्मी। हेलो जेम्स, आइए आइए, वेलकम मिसेस थॉमस, आइए। आप अपनी गाड़ी में नहीं आए? हाँ, आ तो उसी में रहते, लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। इस बेचारे ने बड़ी मदद कर दी थी, यहाँ तक पहुँचा दिया हमें। आओ बेटा, अंदर आओ। नहीं जी, मैं यहीं थी। ना, आइए आइए। ओके, विल बी बैक। अच्छा बेटे। हेलो स्टेला। हेलो जेम्स। हेलो हेलो रूबी, यू रिमेम्बर माई सन? हेलो, आइए अंदर आइए। तुम बंटी के घर नहीं गई? हाँ हाँ, जा तो रही थी मम्मी, लेकिन इन लोग आ गए ना, इसीलिए रुक गई। स्टेला को रुबिया रहना चाहते हो तो उसे रहने दो, तुम अंदर जाके उनको चाय कॉफी पूछो। अच्छा। मैं सड़क का इंतजाम करके आता हूँ। बेटे, तुम ये धूप में क्या कर रहे हो? उन लोगों को टाइम लगेगा, या तो तुम अंदर आ जाओ या दरिया के ना जाके पेड़ के नीचे बैठो। नहीं जी, मैं वहां जाता हूँ। ठीक है डैडी। हाँ? मैं बंटी के घर जा रही हूँ। हाँ अच्छा बेटे, जाओ। अच्छा।
जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊंगी। हाँ बाय। रूबी ठहरो। यस मम्मी। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मम्मी आओ, नलिनी के मम्मी को कुछ साड़ियाँ देनी है। मम्मी आप क्यों तकलीफ करते हो, मुझे तो मैं दे आऊंगी। मुझे उससे पैसे लेने हैं। स्टीफन। हाँ भाई। कहाँ है आप? क्या बात है भाई? मैं जा रही हूँ रूबी के साथ नलिनी के घर। हाँ जाओ। अच्छा जल्दी आ जाना। चलो बेटी चलो। ओए, आज मैं बॉस हूँ समझे? हेलो रूबी, कैसी हो? हेलो कंचन, फाइन। कहाँ जा रही हो? आई एम गोइंग टू नलिनीज हाउस। ओके सी यू। सी यू। Bye.
नमस्कार मुरारी जी, क्या हाल है? बस ठीक है। और बाल बच्चे मजे में? एकदम ठीक है। क्या घूमने निकले थे? हाँ बस ऐसे ही हवा खाने निकले। अच्छा बिल्कुल। बाकी का हिस्सा वो, अरे चकवल बराबर देख लेना। हेलो हेलो, क्या मैं रूबी से बात कर सकता हूँ जी? मैं रूबी बोल रही हूँ जी। मैं हीरा बोल रहा हूँ। नलिनी हीरा बोल रहा है। वेरी गुड, तुम बातें करो, मैं अभी आती हूँ। प्लीज नलिनी, प्लीज डोंट गो। फोन पर बात करते हुए तुम्हारा दम निकलता है तो फिर लव कैसे करोगी? वो सुनता होगा, वो फोन पर नजर नहीं आएगा। कम ऑन, कैरी ऑन। हेलो 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 मैम साहब, जब से फोन उठाया है बात हेलो हेलो से आगे बढ़ ही नहीं रही। एक्सक्यूज मी, जरा आप जल्दी करेंगे? जी दो मिनट जी प्लीज। यार कुछ बोलो जल्दी से, कोई आया है? क्या बात करूं? फोन तुमने करने के लिए कहा था और पूछ मुझसे रही हो क्या बात करूं? सॉरी, उस दिन मैं तुमसे बात करना चाहती थी, जब तुम सामने थे शर्म के मारे कुछ नहीं कह सकी। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, जो कुछ कहना है फोन पर कह दो। ओ मिस्टर, दो मिनट हो गए जी। मुझे एक मिनट के लिए दो मिनट और दीजिए ना। देखो मैम साहब, मैं पब्लिक फोन से बात कर रहा हूँ, दूसरा आदमी एक अर्जेंट फोन करना चाहता है, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी ना। क्या कहूँ अब, ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या? अगर यही हाल रहा तो शादी होते होते मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। अब एक मिनट के तीन मिनट मत मांगना जी। ना एक ना तीन, सिर्फ दो मिनट जी। आपकी कसम। ओहो सुना तुमने, सुना। कल तुम फिर यहाँ फोन करना। कल नहीं परसों, लेकिन पहले कुछ एडवांस तो दे दो। एडवांस? रूबी आई आंटी। अरे ये टॉमी क्या कर रहा है? यू नेवर कट द फोन। नहीं, वो आंटी ने बुला लिया था इसीलिए। ए वो लाइन पे है, बात करो। हेलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द एडवांस जी, थैंक यू। हेलो, रूबी नहीं थी, हमारा टॉमी था। टॉमी? ए मिस्टर, ये पब्लिक फोन है, ये लो। हेलो, टॉमी से बात करनी है क्या? गुड मॉर्निंग मिसेस थॉमस। गुड मॉर्निंग, आइए अंदर आइए। नो नो इट्स ऑल राइट। बात ये मिसेस थॉमस कि हम अगले संडे को रूबी और जेम्स की शादी का ऐलान करना चाहते हैं, ठीक रहेगा ना? वेरी गुड, हम भी अपने चर्च में अनाउंसमेंट करवा देते हैं जी। बहुत अच्छा। आई पब्लिश द बैंड्स ऑफ मैरिज बिटवीन मिस ग्रेसी, डॉटर ऑफ मिस्टर जोसेफ ऑफ दिल्ली, एंड फिलिप्स, सन ऑफ जॉन पॉल राज ऑफ आवर पैरिश। इफ एनी ऑफ यू नो कॉज are just impediment why these two persons should not be joined together in holy matrimony, you turn away thine eyes from me, for they have overcome me. For them. And next, Miss Helena, thou hast ravished my heart. Is going to marry Mr. David, son of Mr. DeMello, our parish. Now, I am 50% Christian. Bombay Wesley Church member, late Mr. Thomas' son, Mr. James, is going to marry our parish member, Mr. Stephen's daughter, Miss Ruby. Mummy, मुझसे पूछे बिना आपने जेम्स से मेरी शादी कैसे तय कर दी?
मुझे पूछ तो लिया होता। Shut up! तेरा बाप होने के नाते तुझसे पूछना जरूरी नहीं समझता। तेरा अच्छा बुरा सोचना ये हमारा काम है। मैं जेम्स से शादी नहीं करूंगी। जेम्स से शादी नहीं करेगी तो और किससे करेगी? उस बेकार हमारे लड़के से। रूबी क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? जेम्स जैसे अच्छे लड़के को छोड़कर तुम उस हिंदू लड़के के साथ शादी करना चाहती हो? ला, मेरे सामने हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन का कोई सवाल नहीं। सवाल है स्टेटस का। क्या स्टेटस है उसका? क्या औकात है उसकी? दो वक्त की रोटी के लिए बाप का मोहताज है? उसके साथ शादी करके क्या फुटपाथ पे रहेगी? रूबी बेटे, जेम्स अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, इज्जतदार है। इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा बेटी। लेला, क्यों खुशामद कर रही हो उसकी? मैंने जो फैसला किया उसे कोई नहीं टाल सकता। इसकी शादी होगी तो सिर्फ जेम्स के साथ होगी। दिस इज माई ऑर्डर। मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे रूबी की फिक्र है। मेरा उसे मिलना बहुत जरूरी है। तुम घबराओ मत, रूबी अभी आती होगी, हम उसी से जाके पूछते हैं कि क्या हुआ। क्यों? ओके चलो चलो। रूबी आ गई, उसकी डैडी भी। तुम जल्दी छुप जाओ। मैं उसे जरूर मिलूंगा। नहीं नहीं जल्दबाजी मत करो। सुनो, तुम मुझे कॉलेज में फोन करना, तुम दोनों की मुलाकात मैं करवाती हूँ। चलो। इस वक्त रूबी जो सजा भुगत रही है वो सिर्फ मेरी करने का फल है, सिर्फ मेरी करने का। और अब दोस्ती के नाते हीरा और रूबी को मिलाना मेरा फर्ज बनता है, मगर क्या करूं? रूबी और हीरा को मिलाऊं या ना मिलाऊं? नो, गॉड हेल्प मी, रूबी और हीरा को मिलाऊं या ना मिलाऊं? आओ ना रूबी, तुम हीरा से बात करो, हम उषा को लेकर आते हैं। चलो। अचानक ये सब कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं मालूम हीरा, डैडी ने मेरी जानकारी बगैर चर्च में ये अनाउंसमेंट कर दी। मैंने उनसे कह दिया है कि मुझे शादी मंजूर नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। क्या करूं? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। हीरा, क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रह पाऊंगी? तब हमारे पास एक ही रास्ता है, मिलकर इस शादी का विरोध करें, अपना हक पाने के लिए अपने माँ बाप से लड़ें, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो आत्महत्या कर लें। वाह वाह वाह, प्यार में नाकाम हुए तो आत्महत्या की सोचने लगे। अरे दोस्त, हिम्मत नहीं थी तो प्यार क्यों किया? आत्महत्या की नहीं, जिंदगी जीने की सोचो। अगर रूबी के माँ बाप नहीं मानते तो बगावत कर लो, ले जाओ उसे भगा के, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। नहीं रमेश, हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से हमारे माँ बाप की इज्जत पर दाग लगे। तुम ठीक कहते हो हीरा, इसकी बातों में आकर तुम कोई ऐसा गलत काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। ये तो क्रिमिनल माइंडेड है। हम देखते हैं स्टीफन साहब अपनी जिद कैसी पूरी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये शादी रुकवानी चाहिए। मगर कैसे? तुम लोग ये शादी रुकवा सकते हो। वो कैसे? देखो, रूबी क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी के असूलों के मुताबिक शादी होने से पहले चर्च में 3 हफ्ते तक अनाउंसमेंट होती रहती है कि अगर किसी को इस शादी से एतराज है तो रेवरेंस से कहे। तुम रूबी से कहो कि वो अपने रेवरेंस से कहे उसे ये शादी मंजूर नहीं। गुड मॉर्निंग फादर। हेलो, प्लीज कम, आइए। स्टेला, फादर आए। फादर, गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। रूबी घर पे है? जी हाँ, बुलाऊं उसको? नहीं नहीं नहीं, स्टीफन जी। क्या बात है फादर? ये लड़की पागल है, अब इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये अपना छबूरा नहीं समझती। फादर, इस लेटर के वजह से शादी मत रोकिए, ये शादी होनी चाहिए। आई एम सॉरी, जब लड़की ने इनकार कर दिया है तो हमारे चर्च के असूलों के मुताबिक ये शादी नहीं हो सकती। फादर, ये बात आपने मिसेस थॉमस को बता दी? यस, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। रूबी!
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, रेवरेंड होने के नाते तो नहीं, लेकिन एक दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो मालूम था कि रूबी किसी और को चाहती है, तो आपने मैरिज की अनाउंसमेंट क्यों की? आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, लेकिन हमारे बारे में तो सोचा होता, लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? जेम्स, लेकिन प्लीज, रूबी अभी बच्ची है, उससे नहीं मालूम कि उसने क्या किया है। उसकी बेवकूफी की वजह से बेटे शादी से इनकार मत करो। I'm sorry. अब ये शादी नहीं हो सकती। बेटे, अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं कहीं कहीं नहीं रहूंगा। प्लीज बेटे, सेव माई रिस्पेक्ट, प्लीज प्लीज माई सन, प्लीज। ऑल राइट, आपकी इज्जत बचाने के लिए लोगों से मैं कहूंगा कि रूबी मुझे पसंद नहीं थी और मैंने शादी से इनकार कर दिया है। रूबी, आंटी रूबी ऊपर है क्या? नहीं नहीं। क्या काम है रूबी से? अंकल, मुझे उससे बुक्स लेनी है। स्टेला, रूबी के कमरे से ऐसी किताबें ला के दे दो। अंकल, आज रूबी कॉलेज नहीं आई। आज के बाद वो कभी कॉलेज नहीं जाएगी। तुम जा सकती हो। स्टेला, आज के बाद रूबी से कोई नहीं मिलेगा, समझे? हीरा, क्या हुआ नलिनी? रूबी के डैडी ने उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है। तुम रूबी से मिली? कोशिश तो की थी, मगर उसके डैडी ने मिलने ही नहीं दिया। हीरा, अब उससे मिलना बहुत मुश्किल है। She is actually under house arrest. मेरे को तो लगता है स्टीफन अंकल रूबी की शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, इसलिए उसको घर में नजरबंद करके रखा है। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर रूबी से मिलता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? हमें ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमें कल पछताना पड़े। बहुत सोच समझ के आगे कदम बढ़ाना होगा। अब लेकिन रूबी, उसकी फिक्र तुम मत करो। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें रूबी से मिला के रहूंगा। रूबी, रूबी बेटे, खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा खा लो, जिद नहीं करते। तुम जाओ यहाँ से, प्लीज गो। कब तक भूखी रहोगी बेटे? मैं मर जाऊंगी लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी मैं खाना, नहीं खाऊंगी। मैंने तने मना किया था ना किस बंदे नाना? आपने मुझे घर आने के लिए मना किया था। ये पब्लिक रोड है, यहाँ तो मैं जरूर आऊंगा। क्या? अगर इज्जत चाहिए तो पहले इज्जत देना सीखो। तू मन्ने ना जाने, मैं भी तने देख लूंगा। तुम मुझे देखना और मैं तुम्हें देख लूंगा। बंटी, तुम शोर मत मचाओ। दीदी, मैं चुपके चुपके आया हूँ। क्यों? तुमने खाना नहीं खाया ना? हाँ, क्यों? तुम खाना नहीं खाओगी तो मर जाओगी। तुमसे किसने कहा? दादाजी ने। तुमको मरना नहीं चाहिए इसलिए मैं खाना लेकर आया हूँ। खाओ ना, खाओ ना, अच्छे बच्चे खाते हैं। तो दीदी,
चलो चलो, मुंह खोलो ना दीदी। लो स्टीफन साहब, रूबी कैसी है? क्या कहूं भाई, वो जिद पे अड़ी हुई है, समझ में नहीं आता क्या कहूं। स्टीफन साहब, आपकी इज्जत का सवाल सा है, आपको रूबी के संग सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। वो तो कर ही रहा हूं भाई, लेकिन वो कमबख्त हीरा का बच्चा, उसकी फिक्र मत करो, वो दो बार यहां पर आया सा है, मैं धमकी भी दी, अगर दोबारा इधर आया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। इधर आओ। कहां जा रहे हो? रूबी दीदी के घर। मेरा एक काम करोगे? क्या? ये चिट्ठी अपनी रूबी दीदी को दे दोगे? हाँ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, कहाँ जा रहा है? दीदी से मिलने जा रहा हूँ। ये मैं क्या है? कुछ नहीं। फिर छिपा क्यों रहा है? दिखा मुझको, दिखाओ। जाओ। दीदी, क्या है? किसने दिया है? एच फॉर हीरा। डन डन। से आता हूं। रूबी, रूबी, अगर तूने यह कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इसे तो मैं अपने साथ ले जा रहा हूं, अगर जान ही लेनी है तो मेरी लीजिए। चलो रुक जा, गिरा छोड़ दो इसको, मैं गिरा छोड़ दो। चलो रूबी अंदर। रूबी साहब, क्या हो गया? वो बदमाश रूबी को लेकर भाग गया। पहले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ। डरो मत, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अब क्या होगा? कुछ भी हो, जब साथ जीने और मरने का फैसला कर ही लिया है तो हमें हर मुसीबत का सामना हंसकर करना पड़ेगा। चलो। मैं इसे प्यार करती हूँ, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। शादी इससे? लेकिन ये तो, मैं जानता हूँ फादर, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं रूबी के लिए अभी क्रिश्चियन बन सकता हूँ। सॉरी माय बॉय, अगर तुम क्रिश्चियन भी होते तो भी ये शादी चोरी छुपे ऐसे नहीं हो सकती थी। प्लीज फादर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। मुझे पूरी हमदर्दी है तुम दोनों से, लेकिन चर्च के भी कुछ अपने कायदे और कानून होते हैं, मैं उन्हें तोड़ नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा गॉड हमारी मदद करेगा, मगर कोई बात नहीं, मेरा भगवान तो है। भगवान,
तुम पर भरोसा करके आज मैंने इस मंदिर का दरवाजा खोला है। मुझे और रूबी को एक होने के लिए मुझे तुम्हारी सहायता और आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे आशीर्वाद देना भगवान। रूबी और हीरा यहाँ थे? हाँ स्टीफन, आए थे, शादी करना चाहते थे। मैंने इनकार कर दिया, दोनों चले गए। इंस्पेक्टर साहब, वो दोनों यहाँ आए थे मगर वापस चले गए। भगवान, तुम्हें साक्षी मानकर आज मैं रूबी को अपनी पत्नी स्वीकार करने जा रहा हूं। हमें आशीर्वाद दीजिए। पुजारी जी, धर्म का रक्षक पुजारी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई एक परधर्मी लड़की को पवित्र मंदिर में ले आए? ये अपवित्र कार्य कभी नहीं होगा मेरे जीते जी, क्योंकि मैं जानता हूं दुष्ट तू वो नाग है जिसने धर्म के रक्षक को देखने की कोशिश की। पुजारी जी, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मगर हमारी सहायता कीजिए। दुष्ट, तूने मुझ पर कलंक लगाया था कि मैं धर्म का ठेकेदार हूं, धर्म के ठेकेदार से सहायता मांगता है। अधर्मी, इस पवित्र मंदिर को तुड़वा कर तू स्कूल या अस्पताल बनवाना चाहता था। पाखंडी, तूने उस दिन कहा था कि मैं भगवान के नाम पर रुकिया बटोरता हूं, आज क्या बटोरने वाले से सहायता मांगने आया है। पापी, तूने कहा था कि मेरी वजह से लोगों का भगवान पर से विश्वास उठता जा रहा है, आज तू मुझसे सहायता मांगने आया। उसी परम पिता की आज्ञा से मैं तुझे आदेश देता हूँ, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ, निकल जा, निकल। अरे आओ विद्वान स्टीफन साहब, मैं तो आपके पास ही आ रहा था। मेरी लड़की उस बदतमीज के साथ यहाँ थी? हाँ आई थी, वो उस हिंदू लड़के से शादी करना चाहती थी, मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए उन्हें भगा दिया यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, वो लड़का बहुत बदमाश है, छोड़िएगा मत आप। पुलिस हमारा पीछा कर रही है। चलो कम, फॉलो मी, जाओ अंदर, अरे जाओ ना, मेरा ही घर है, जाओ, सुन जाओ, उस तरफ उस तरफ। ए, ए, एक लड़का और एक लड़की इधर भाग गया है क्या? हम उधर से भाग रहे, चलो। बाहर आ जाओ, घबराओ मत, चले गए। हीरा, मुझे डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। वाकई? यस ऑफ कोर्स, जब प्रेमी हंसते हैं तो मैं हंसता हूं, और जब प्रेमी होते हैं मैं रोता हूं। देखो, प्यार कभी नाकाम नहीं होता। वाकई हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो हमें आपका सहारा मिला। हम लोग चर्च गए, मंदिर गए, मगर किसी ने हमें सहारा नहीं दिया। एक बात याद रखो, मजहब और प्यार में हमेशा लड़ाई रही है, लेकिन जीत हमेशा प्यार की हुई है। अगर चर्च और मंदिर ने तुम्हें सहारा नहीं दिया तो क्या हुआ? कानून तो है, उसकी नजर में सब बराबर है। हिम्मत रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ, रिलैक्स, अंदर जाओ, आराम करो। कम ऑन, गो, गेट इनसाइड।
क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अब भी डर लग रहा है क्या? नहीं। क्यों? तुम जो मेरे साथ हो। अब कुछ देर आराम करो। और तुम? मैं भी सोता हूँ। सर, इधर आओ। ये दोनों शादी करना चाहते हैं, आप मेहरबानी करके इनकी शादी रजिस्टर कर दीजिए। सर, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी मदद कीजिए। लेकिन सिविल मैरिज के लिए तो पहले नोटिस देना पड़ता है। जानता हूँ सर, लेकिन इनके पास इतना वक्त नहीं है। ये हर जगह से मायूस होकर कानून की पनाह में आए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि लड़की की उम्र बहुत कम है। सर, 3 दिन के बाद मैं 18 साल की पूरी हो जाऊंगी। तो फिर तुम लोग 3 दिन के बाद आओ, आज ये काम गैर कानून। आपका मतलब है जो काम 3 दिन के बाद जायज है वो आज नाजायज है? अगर अगर ये आपसे झूठ कहते तो आप मान जाते। सच बोलने वाले को सजा देती है दुनिया। आप जज्बात की बात कर रहे हैं और मैं कानून की। कानून कानून कानून, जन्म में गया कानून। चर्च और मंदिर ने हमें सहारा नहीं दिया, हमें पूरा विश्वास था कि अदालत हमारी मदद करेगी अगर हमें यहां भी कुछ नहीं मिला। लेकिन आप भी सुन लीजिए, धर्म और कानून चाहे कुछ भी कहें, आज इस पल से रूबी मेरी बीवी है और मैं इसका पति। अब इस रिश्ते को कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। समझते उस लड़के के साथ भाग के शादी कर लेगी और मैं देखता रहूंगा। जब तक मेरी जान में जान है हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता? नहीं, कोई भी नहीं। बदतमीज, छोड़ दो उसे। हाँ हाँ छोड़ दूंगा, मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर लाके दे दो, तभी हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगी मुझसे और तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। लानत है तुझ पर, अपनी सारी जिंदगी में यहाँ कभी रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, आज तेरी वजह से आना पड़ा, वो भी सर झुका कर। सर, इसे छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं? जानते हैं आप, इसने एक नाबालिग लड़की को अगवा किया है, कानून के मुताबिक इसे 7 साल की सजा होनी चाहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। सर, आप जिसकी कहे मैं उसकी जमानत दिलवा सकता हूं। जब तक मिस्टर स्टीवन अपनी शिकायत वापस नहीं लेते मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, कुछ भी कीजिए, मैं वादा करता हूं कि इस हरामजादे को उस लड़की से कभी नहीं मिलने दूंगा, इसको उसके घर का रास्ता भी भुलवा दूंगा। ठीक है, आप इस बात की गारंटी लिख करके दे दीजिए, मैं मिस्टर स्टीवन से बात कर लूंगा। हवलदार जी, इनकी स्टेटमेंट ले लो। जी। इस कमरे से बाहर कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। क्या हुआ? अब क्या किया इसने? क्या किया इसने? दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा इसने मुझे। स्टीवन साहब की लड़की को भगा कर ले गया था, पुलिस ने पकड़ कर बंद कर दिया इसे। हीरा, मेरे बेटे तुझे क्या हो गया? माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन रूबी के डैडी ये नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी हो जाए, इसलिए उन्होंने पुलिस में कंप्लेन लिखा दी। अगर वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करता तो तुम उसकी लड़की से शादी कर लेते? हाँ। देखा देखा, नालायक बेशर्म, देखा कैसी बेशर्म की बातें कर रहा। सुनिए, कर दीजिए, अब ये ऐसा कभी नहीं करेगा। करेगा तब ना, जब मैं इसे कुछ करने के काबिल छोड़ूंगा। बेटा, तो उस लड़की को भूल जा। नहीं माँ, मैं रूबी को नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता? नहीं भूल सकता, और दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे अलग नहीं कर सकती। मैं तुझे उससे अलग करूंगा और देख कैसे अलग करता हूँ। सुनिए, छोड़ दीजिए। नहीं भूलूंगा। वो रोगी अभी छोड़ दीजिए। नहीं, नहीं भूलेगा उसे। नहीं भूलूंगा। नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। बदतमीज, कमीने, छोड़िए, छोड़िए उसे। उससे जुदा करता हूँ मैं, उससे तुझे अलग करता हूँ मजनू की औलाद। डैडी,
डैडी, आज से इसका खाना पीना भी बंद। बोला ना तुम? बस स्टीफन, दोस्ती का ख्याल भी नहीं किया, मेरे पास आने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन चले गए। बोला ना? अरे पुलिस स्टेशन का रास्ता मुझे भी मालूम था, अगर मेरा बेटा कसूरवार है तो तुम्हारी बेटी भी कसूरवार है, मैं भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकता था। तुम लड़ने आए हो मुझसे? नहीं, मैं ये बताने आया हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से कभी नहीं मिलेगा, वो यहाँ का रुख भी नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से मिलने आई तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। सुना तूने? वो आदमी मुझे चैलेंज कर गया है, अब कभी तू उस लड़के से मिली तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इश्क की दुश्मन दुनिया सारी, यारों को मिलने न देगी, यारों को मिलने न देगी, जंजीरों को तोड़ के आ जा, यारी तब कभी जुदा ना होंगे, जग सारा ओ बैरी तो प्रेमी मिलके रहेंगे, सब कुछ इश्क बीच रहेंगे, प्रेमी जुदा नहीं होंगे, सब कुछ इश्क बीच रहेंगे, प्रेमी जुदा छड़े, प्यार ना काम नहीं होता, प्यार ही रास्ता, प्यार ही मंजिल, प्यार ना काम नहीं होता, इश्क ही मूसा, इश्क ही ईसा, इश्क ही ओम और अल्लाह, आग का दरिया पार उतर गए थाम के इश्क का पल्ला, जग सा सब कुछ इश्क पीछे सहेंगे, प्रेमी जुदा नहीं होंगे। Thank you.
से तो खिल गए सहरा हरियाली मुस्काई। प्रेमी जब जब रो पड़ते हैं रो पड़ती है खुदाई। इश्क ही मूसा इश्क ही ईसा इश्क ही ओ मार अल्लाह। आग का दरिया पार उतर गए थाम के इश्क का पल्ला। जग सारा ओ बैरी तो प्रेमी मिलके रहेंगे सब कुछ इश्क बीच सहेंगे। प्रेमी जुदा नहीं होंगे जिनके दिल में सच्ची चाहत कभी खफा ना होंगे। दीनों ईमां जिनका मोहब्बत कभी जुदा ना होंगे। जग सारा ओ पैरी तो प्रेमी मिलके रहेंगे सब कुछ इश्क बीच सहेंगे। प्रेमी जुदा नहीं होंगे प्रेमी जुदा नहीं होंगे। हीरा बेटे कुछ तो खा ले, कब तक तू भूखा रहेगा? नहीं माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आखिर तू चाहता क्या है बेटे? माँ मुझे बाथरूम जाना है। अच्छा, जुल्म की भी हद होती है, बच्चे को कम से कम बाथरूम तक तो जाने दीजिए। जल्दी कीजिए। कोई चालाकी नहीं समझे, भागने की कोशिश की तो चल मेरे साथ। चल साहब 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 गाड़ी साहब साहब। बदमाश कहाँ गया? इरा 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 तमाम कौन? क्या है? मैं रूबी से मिलने आया हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम रूबी से नहीं मिल सकते। मैं उससे जरूर मिलूंगा। Get out from here. No. स्टीफन साहब केबल ऐसे सुना नहीं, चलो यहां से। नहीं चलो, नहीं चलो। तुमने मुझे मारा, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमने अब इन पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी रूबी को कुछ भी हुआ ना
तो मैं इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। चल चल। और बेटे में से किसी एक को चुनना है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तू क्यों नहीं मानता रे? क्यों हम सबका जीवन अजीवन कर रहा है? तू पागल हो गया है? हाँ माँ, मैं पागल हो गया। कोई भी मुझे रूबी से नहीं मिलने देता। मैं पागल हो गया हूँ माँ, मैं पागल हो गया हूँ। डॉक्टर, बुखार बहुत तेज है, सेप्टिक हो गया। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डॉक्टर, हॉस्पिटल ले चले। तो जरूरत नहीं है, मैं कल फिर आऊं। लाइए रूबी, रूबी। उषा, एकदम गड़बड़ हो गई। हीरा और रूबी के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करें? तुम लोग एक काम करो, रेवरेंट को लेकर स्टीवन अंकल के घर पहुंचो, मैं जेम्स को लेकर आता हूँ। अच्छा, चलो। हाँ चलो। स्टीवन, जरा देखो मेरी बच्ची कैसे बड़बड़ा रही है। कुछ करो स्टीफन। स्टीफन, तुम मेरी रूबी को बचा लो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अगर वो हीरा से शादी करना चाहती है तो उसे कर लेने दो, नहीं तो वो मर जाएगी। वो मर जाएगी। पागल मत बनो। कौन है? अदर, आप इन लड़कियों को अपने साथ क्यों लाए हैं? हम रूबी से मिलने आए हैं। रूबी से कोई नहीं मिल सकता फादर। हम रूबी से मिले बगैर नहीं जाएंगे। वो भी से नहीं मिल सकती। Enough from here। फादर, अगर वो नहीं चाहते तो नहीं सही। चलो चले। क्यों, हम क्यों जाएं? ये कुछ भी बोले हमें उसकी परवाह नहीं है। हम रूबी से मिले बिना नहीं जाएंगे। चलो अदर। हाँ चलो। मिस्टर जेम्स, अगर आप मेरे साथ चल के स्टीफन सर को समझाएं, हो सकता है कि रूबी की जान बच जाए। देखो बेटे, मिस्टर स्टीफन बहुत जिद्दी आदमी है। जब उन्होंने किसी की नहीं सुनी तो हमारी क्यों सुनेंगे? मम्मी, उस दिन अपनी इज्जत पर दाग लगाकर हमने स्टीफन अंकल की इज्जत को बचाया। क्यों? रूबी की खुशी के लिए। और अगर अब भी वो अपनी इज्जत पर कायम है तो मैंने उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए इतना ही बहुत है। जब आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत रूबी को हीरा से अलग नहीं कर सकेगी। ठहरो ठहरो, पहले मैं जाऊंगा। बंटी हटो, हमको अंदर जाने दो। जाने दो ना। नहीं, पहले अंदर मैं जाऊंगा। प्लीज बंटी। जानते हो ये पुल किसके लिए है? किसके लिए? रूबी दीदी के लिए। वो भगवान के घर चली गई। ये पुल पहले मैं दूंगा। भैया, तुमने बहुत देर कर दी, रूबी चली गई। हीरा, हीरा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अमित, हीरा, हीरा, निकल यहाँ से। प्लीज, तू बीच में मत पड़िए, हमारे घर का मामला। हीरा, हीरा, रूबी मर गई। हीरा,
कब्रिस्तान ले गए। Merciful God, Father of our Lord Jesus Christ, who did rest in a sepulcher and thereby sent him same to the effect of both to your people. Grant, we pray, that this grave may be a resting place for the body of you, who we believe is resting in you, who is the resurrection and life. Almighty God, with whom the departers are living, and with whom the souls of them that are faithful are in joy, we commend into your hands the soul of this our sister Ruby, trusting you will bring sure consolation and rest. Our God of all comfort, look in your tender love and pity. We beseech you on the sorrowing loved ones. You be their refuge and strength, a very pleasant help at times like the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant to keep you with everything good that you may do his will, working in you that which is pleasing in his sight, through our Lord, to whom be glorified forever and ever. Amen. से हाथ मत लगा उसको। आदर्श, इसी ने मेरी बच्ची की जान ली। मैं कहता हूँ कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ मत छू उसको। कोई हक नहीं तुम्हें इसे छूने का, हाथ लगाने का। चले जाओ यहाँ से। रुकिए, चले जाओ। आपको ये सब कहने का कोई हक नहीं। इसने हीरा के लिए अपनी जान दी है। मैं अपनी बच्ची को किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। उठो हीरा, 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 उठो बेटे। दिस इज ऑल गॉड्स विल। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। उठो, रूबी को आराम करने दो। आओ हीरा, उठो। फादर इज डेड। प्यार ही तो है अपनी जिंदगी, प्यार से दूरी सहना क्या।